प्यारे विद्यार्थियों योग शिक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे उससे पहले बच्चों की एक क्वेरी है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ काफ़ी बच्चे परेशान हैं तो देखिए सबसे पहली क्वेरी क्या है आप लोगों की कि आप लोग सर बोल रहे हो कि सर हमें वीडियो जो है कभी कभी साफ नहीं दिखाई देता तो देखिए आप जब अपना मोबाइल खोलते हैं देखिए आपके सामने अभी मोबाइल ऑन हो रहा है आपके सामने स्क्रीन पे अब ये मोबाइल आपके सामने चल रहा है ठीक है अब इस मोबाइल पे सपोज करिए आप ये वीडियो देख रहे हैं जैसे आज ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया है अभी जस्ट नाउ ठीक है तो ये वीडियो चल रहा है आपके सामने देख रहे हैं आप यहाँ पे थो, थोड़ा बहुत आपको साफ दिखाई दे रहा है लेकिन कई बच्चों को क्या होता है समस्या होती है तो आप मोबाइल में इसी तरह का आपका मोबाइल खुलता है तो मोबाइल में जो सबसे पहली चीज है आपको यहाँ पे ऊपर तीन डॉट मिलते हैं आप मोबाइल को टच करते हो तो यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है आपको ये सेटिंग जो है आपको ध्यान रखनी है दोबारा देख लो ये ऊपर दिख रहा है आपको स्टार सेटिंग तो इसको आपको ध्यान रखना ये तीन डॉट भी किसी किसी मोबाइल में तीन डॉट दिखाई देते हैं कभी कभी ये सेटिंग दिखाई देते तो अब मैं इस सेटिंग पर टच कर रहा हूँ ठीक है इस सेटिंग पर टच कर रहा हूँ ध्यान रखना तो इस सेटिंग पर टच किया हमने तो हमारे सामने ये तरह का विंडो आया अब यहाँ पे देखो क्वालिटी ऑप्शन आता है ठीक है अब इस क्वालिटी पे मैं टच करूँगा अब आपके ऊपर देखो ये क्वालिटी पे टच करोगे ना आप तो इस क्वालिटी पे टच करके देखोगे तो आपका इस तरह से आएगा ठीक है क्वालिटी पे मैंने टच किया ध्यान रखना कि क्वालिटी पे टच किया है ये चीज याद रखना दोबारा बता रहा हूँ कि क्वालिटी पे टच किया अब क्वालिटी पे टच किया तो नीचे देख रहे हो एडवांस आ रहा है इस एडवांस पे चले जाओ एडवांस करोगे तो देखो ये सारे सेटिंग आ गई ठीक है तो इसमें कम से कम आप 480 सौ अस्सी सेलेक्ट करिए या 720 करिए एक हज़ार अस्सी जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे ना उतना साफ वीडियो चलेगा एकदम साफ और दूसरी बात नेट की स्पीड ठीक ठाक होनी चाहिए तो ऊपर वाले ये जो है 480 तो आराम से चल जाता है नॉर्मल स्पीड में 480 कम से कम आपको सेलेक्ट करना है आपको वीडियो बिल्कुल तंदुरुस्त और साफ दिखाई देगा तो ये थी वीडियो को एच में देखने की सेटिंग अब दूसरी बात क्या होती है एक चीज़ और पूछते हैं बच्चे कि सर ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे को प्लेलिस्ट नहीं मिलती है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से देखें 2019-20 का पेपर कहाँ से देखें तो देखो हर बार हम जब वीडियो डालते हैं तो वीडियो के नीचे ना ये एक लिखा होता है प्रोफिसियंसी इन इंग्लिश इस तरह का ये वर्ड लिखा रहता है ना इसके नीचे में यह देखो ये छोटा सा कोना में ये एरो बना होता है ठीक है इस एरो को ध्यान रखो क्या ये वाला एरो है ना तो इस एरो को आप जहाँ पे मेरे को देख रहे हो ये पेन चला रहा हूँ मैं तो इस एरो पे टच करो इस पे टच जैसे ही करोगे ना आप तो ये इस तरह का आपको सामने ये खुलेगा ठीक है तो यहाँ पर देखो ये डी डी फाइल है जो आपके प्रोजेक्ट फाइल बनते हैं और ये है आपके सारे के सारे पेपर्स ठीक है कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चों को दिखाई नहीं देता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं आप सीधे सीधे जो आपको ये आइकन दिख रहा है ई आर अखिलेश क्लासेस फॉर यू जो चैनल का नाम है इस चैनल के नाम पे ही टच कर सकते हो आप तो इस चैनल के नाम पे जैसे ही टच करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा पूरा का पूरा खुल गया ये इंटरफेस खुलेगा अब इस इंटरफेस में देखो प्लेलिस्ट का नाम का ये चीज ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको प्ले लिस्ट प्ले लिस्ट प्ले लिस्ट प्ले दिख रहा है ना बस इस प्ले लिस्ट पर टच करो तो देखो प्ले लिस्ट करते ही देखो सेंट्रल आइडिया पोयम एन सी आर टी वगैरह वगैरह करते अब आपको देखना कौन सा है आपको कौन से प्ले लिस्ट में से जरूरत है आपका डी चाहिए तो आप नीचे नीचे चलते जाओ आपको डी मिल जाएगा ठीक है नीचे नीचे जाओगे जहां पर भी आपका होगा वो जरूर मिलेगा डी एल एड मिलेगा एम पी डी एल एड मिलेगा ठीक है तो यहाँ पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है कि अगर एक, एक बार सर्च करने पर तो डायरेक्ट तो आप वहाँ से जा सकते हो जो मैंने अभी अभी बताया तो आपको जो समझ में आता है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं ठीक है थीके? तो यहां पर आप जा रहे हो नीचे जाते 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 जाते, जाते आपको देखो यहाँ पर ये यह रहा एम पी डी एल एड बी एस टी एग्जाम पेपर्स और ये रहा एक सौ उन्नीस वीडियोज हैं अब इसको जैसे ही आप टच करोगे एक सौ उन्नीस वाले को तो ये सारे वीडियो आपके सामने जितने भी आपको जो चाहिए वो मिलेगा यहाँ पे देखिए आप देख रहे हैं 905, 904 का आंसर इस तरह से फिर आपका 800 का आंसर यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के सारे सॉल्यूशंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज होती है वो इसमें मिल जाती है तो ये उन बच्चों के लिए था जो बच्चे परेशान हैं जिनको प्रॉब्लम होती है अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट जो पार्ट है उसके ऊपर ठीक है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को दोबारा से ठीक है तो चलिए मैं अब इसको हटा रहा हूँ तो यहां पर जो आपका सोल्यूशन है उसको देख लीजिए तो ये देखिए योग के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या हैं ठीक है ठीके? तो योग के उद्देश्य एवं लक्ष्य केवल तीन पॉइंटों में आप समझा सकते हैं तो तीन पॉइंट लिख देना आपको जो जो चीजें बता रहा हूं केवल उसको समझ लेना ढंग से और इसको वीडियो को साफ देखने की सेटिंग में बता चुका हूं कि कैसे सेटिंग करते हैं यूट्यूब पर वो सेटिंग आप कर लेना ठीक है वीडियो में स्टार्टिंग में बता चुका हूं इस वीडियो को स्किप कर लिया होगा जिस बच्चों को सेटिंग आती है वो स्किप करके वीडियो पर आ चुके होंगे और जिनको नहीं आती वो सेटिंग पहले देख लें उसके बाद पतंजलि का योग सूत्र कभी समझाइए समझिए नहीं समझाइए तो यहां पर पतंजलि का योग सूत्र पूछ सकता है तो उसके बारे में आपको लिखना है स्वास्थ्य रहने के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं तो तीन सिद्धांत होते हैं आचार विचार और आहार ठीक है तो ये तीनों सिद्धांत आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में है ज्यादा आपको टेंशन नहीं होगी इसमें इसके बाद में योगासन की परिभाषा जो है आप कैसे कर सकते हैं क्या इसका वर्णन अगर थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन में पूछ ले तो आपको योगासन की परिभाषा जो है बतानी होगी उसके बाद में विवेका विवे भीवे, स्वामी विवेकानंद के प्राणायाम के बारे में जो विचार हैं वो क्या हो सकते हैं वो पूछ सकता है आपसे किसी भी एक का पतंजलि का पूछ सकता है स्वामी विवेकानंद का वशिष्ठ का किसी का पूछ सकता है तो ये हमने लिख दिया है इनको आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं ठीक है अब इसके बाद में आता है पृथ्वी मुद्रा के लाभ क्या क्या हो सकते हैं तो यहाँ पे छः लाभ हैं ये छः लाभ आपको याद करने हैं बस छः लाभ ही लिखने हैं उसके बाद महर्षि वशिष्ठ का जीवन परिचय और उनके योग के दृष्टिकोण क्या है तो आप इतना लिख दोगे ना तो आपको वैसे ही मार्क्स मिल जाएंगे ठीक है ज़्यादा खैच फेंच के नहीं लिखना है आपको बस इतना ही लिखना है समय है, आपके पास कम रहता है गीता के अनुसार योग के कितने प्रकार हैं तो ये अट्ठारह योग जो है वर्णित है गीता में और सूर्य नमस्कार के जो है बारह आसन हैं उन सभी के नाम यहाँ पर है ये बारह आसनों को आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व ठीक है इसके बाद में सूर्य नमस्कार के लाभ पूछ सकता है एग्जामिनर तो लाभ जो है आपको ये सारे के सारे पॉइंट वाइज में है पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह इतने सारे लाभ हैं आप कोई भी लाभ लिख सकते हो इसके बाद में प्राणायाम का अर्थ और लाभ जो है आपको बताना है तो अर्थ तो मैंने यहां लिख दिया लाभ यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आसन किसे कहते हैं ये भी पूछता है और कपाल भत्ती क्या होती है कपाल भत्ती से आपसे पूछता है भाती कपाल भाती क्या होती है इससे आपसे पूछता है तो कभी कभी इसको ध्यान रखना है ठीक है सारे आंसर्स में बताते जा रहा हूं क्वेश्चन साथ साथ में योगासन के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं तो योगासन के है ध्यानात्मक आसन ठीक है सांस्कृतिक आसन ठीक है सा, इसमें सांस्कृतिक आसन के भी दो भाग होते हैं ध्यान रखना थोड़ा सा वर्गीकरण जो है पहला वर्गीकरण में क्या आएगा ध्यानात्मक आसन और दूसरा आएगा सांस्कृतिक आसन उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका इसके भी दो भाग होते हैं सांस्कृतिक आसन के एक होता है शारीरिक आसन ठीक है और एक होता है विश्राम आसन और इसके बाद में वर्गीकरण नंबर दो जो होता है इसमें कौन कौन से हो सकते हैं बैठ के किए जाने वाले आसन पूछेगा बैठ के किए जाने वाले आसन कौन कौन से हैं दो के नाम लिखिए ठीक है या फिर पेट के बल किए जाने वाले आसनों के नाम बताइए या पीठ के बल किए जाने वाले आसनों के नाम बताइए कुछ भी पूछा जा सकता है तो बैठ के किए जाने वाले बैठ के लेट के और पेट के बल जो भी है यहाँ पर सारे दे दिए गए हैं इनको जरूर एक बार देख लेना दो चार तो याद रहना ही चाहिए आपको किसी भी हालत में सभी के योगासन के क्या लाभ हैं योगासन के क्या क्या लाभ हैं आपको बताना है तो योगासन भाई करने के ये लाभ हैं ठीक है ना ये चीजें आप लिख दोगे और योगासनों से के प्रमुख नियम क्या है तो योगासनों के प्रमुख नियम बताइए तो ये यहाँ पे से नहीं है ये के है ठीक है नीचे लिखा हुआ है ना कि योग आसन के प्रमुख नियम क्या है सिद्धांत क्या है कभी कभी सिद्धांत पूछ ले सिद्धांत क्या है ठीक है सिद्धांत में भी यही डाल देना सिद्धांत अगर पूछता है और जिसने सिद्धांत नहीं पढ़ा हुआ है टेंशन नहीं लेना है ये सारे के सारे आपको डाल देना है योगासन के सिद्धांत हो जाएंगे ठीक है और योग और व्यायाम में कभी कभी अंतर पूछता है तो योग और व्यायाम में अंतर आपको आना चाहिए जो व्यायाम है वो अपनी सांसों पर ध्यान नहीं देता है और व्यायाम में क्या है काफी सांसें तेज होती हैं ऊपर नीचे होती हैं लेकिन योग में सांसों का संतुलन बनाया जाता है इस तरह से चार पाँच पॉइंट में आप इसको समझा सकते हैं ईजी वर्ड में लिखा गया है प्राणायाम का आस्य स्पष्ट कीजिए तो प्राणायाम का आस्य जो है आप बता सकते हैं प्राणायाम क्या होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है प्राणायाम के लाभ क्या हो सकते हैं वो आपको बताया गया ठीक है एक दो लाभ आपको पता होने चाहिए दो लाभ आपको धमकम से कम ध्यान रखने हैं उसके बाद हम मुद्रा किसे कहते हैं मुद्रा के प्रकार बताइए तो देखो मुद्रा तो आप जानते ही हो जो भी आपको आनंद दे वही मुद्रा होती है और मुद्रा जो है उसका अर्थ होता है भाव भंगिमा से होता है ठीक है ना और मुद्राएं कई प्रकार की होती है जिसमें हस्त मुद्रा आधार मुद्रा मौन मुद्रा यहाँ पे मौन आ जाएगा ठीक है मौन मुद्रा काया मुद्रा बंद मुद्रा ठीक है इस तरह से अब इसमें भी जो है अश्वनी मुद्रा अलग होती है बोली मुद्रा अलग होती है खचेरी मुद्रा विपरीत मुद्रा द्रोण मुद्रा बहुत सारी मुद्राएं हैं आपको दो चार जो भी आपसे याद हो सकती हैं देखिए याद कर लीजिएगा और योग की पूर्व तैयारी यानी योग करने से पहले क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए योग करने से पहले क्या जो है हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए क्या आ... तैयारियां करनी चाहिए तो ये हमें सात तैयारियां करनी चाहिए लगभग इसमें से पाँच छः घंटे पॉइंट आप लिख सकते हो केवल पॉइंट लिखने हैं डिस्क्राइब नहीं करना है अगला है ध्यान और समाधि क्या है तो कभी ध्यान और कभी समाधि दोनों को पूछ लेता है तो दोनों को अलग अलग लिख दिया एक एक वर्ड में सिंपलेस्ट अगर एक एक लाइन में पूछता है और सफल लोगों की अच्छी आदतें कौन कौन सी होती है तो सफल लोगों की कम से कम छः सात आदतें आप बता सकते हैं पहल पहल करो पहले करते हैं वो मंजिल सामने रखो जरूरी काम पहले अच्छी बातों का लेन देन दूसरों की सुनो और समझो और मिलकर करिए और धार पैनी करें मतलब अपने आप को तेज करें ठीक है उसके बाद में स्वस्थ रहने के छह सुझाव क्या हो सकते हैं तो वायु स्वच्छ वायु स्वच्छ जल स्वच्छ सलाद और कच्चा भोजन गुड़ दूध और हंसना ये सारी चीजें होती हैं। आप अपने हिसाब से भी इनको बना के लिख सकते हो ये तो घर की बात है विद्यार्थियों के लिए स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए क्या मतलब कौन कौन से व्यायाम हो सकते हैं प्राणायाम हो सकते हैं वो चीज़ पूछता है कभी कभी ठीक है तो ये विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ये आप जो है कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा पाचन में सहायक कौन सा आसन होता है वो लिख दिया है ऊँचाई बढ़ाने के लिए कौन से आसन हो सकते हैं और हृदय स्वस्थ रखने के लिए कौन सा आसन हो सकता है ठीक है और संतुलन एवं एकाग्र हेतु कौन से आसन हो सकते हैं कब्ज निवारण हेतु कौन सा आसन होता है तो इसका एमसीक्यू बन सकता है खालिस्तान बन सकता है एक वाक्य में उत्तर बन सकता है योग का विद्यार्थी जीवन पे प्रभाव महत्व शिक्षक योग का विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये सारे के सारे पॉइंट है इनको आप शिक्षक में भी और विद्यार्थियों में जोड़ सकते हैं बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे शिक्षक डाल देना ठीक है ना विद्यार्थी और दोनों का बोले तो दोनों का नाम डाल देना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए अगर विद्यार्थियों को पूछे तो केवल यहाँ विद्यार्थी डालोगे अगर शिक्षक पूछता है तो यहाँ पे शिक्षक चेंज कर देना तो आपका आसान हो जाएगा मैं आसानी के लिए बता रहा हूँ बाकी आपकी मर्जी आप चाहो तो आपने जो याद किया वो लिखना लेकिन जिसको याद नहीं है वो बस यहाँ पे बालकों की जगह शिक्षक जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर दिया करो कोई दिक्कत नहीं होती पूरे आंसर मिलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वैसे ही लिखा जाता है अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है इसमें आते हैं अब इसके बाद में है आपके ध्यान कितने प्रकार के होते हैं तो जो है मूलतः ध्यान जो चार प्रकार के होते हैं एक तो देखने का इसको जो साक्ष ध्यान कहते हैं सुनने का ध्यान जिसको श्रवण ध्यान कहते हैं श्वास लेने को प्राणायाम ध्यान कहते हैं और आपका आँखें बंद करके सोचने को भुट ध्यान कहते हैं और ये जो है नीचे आपको और भी दोबारा में दिखा दूंगा ये सारे ध्यान वापस में दिखाऊंगा आपको यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है कि देखने को कौन सा ध्यान कहते हैं सुनने को कौन सा ध्यान कहते हैं श्वास लेने को कौन सा ध्यान कहते हैं लेकिन ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं अगर आपको नाम ये याद नहीं रहते तो आराम से लिख सकते हैं। वो भी मैं बता दूंगा अष्टांग योग के बारे में क्वेश्चन बनेगा तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि अष्टांग योग जो है क्या होता है साथ ही साथ ये अष्टांग कौन कौन से हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये सारे के सारे हो जाएंगे पतंजलि के आधार पर ध्यान थोड़ा सा समझाने के लिए आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा समझ जाएंगे पंचकोश कितने होते हैं और किसे कहते हैं पंचकोश तो आप जानते ही पांच ही होते हैं जैसे पंच नाम है तो ये पांचों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं और साथ ही साथ ये क्या होते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा गया है इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विश्व योग दिवस पर कभी कभी टिप्पणी पूछेगा ठीक है और कौन से दिन मनाया जाता है ये याद रखना है और योगों के प्रकार जो है वो आपके चार होते हैं राज यो, कर्मयोग और आपका भक्ति योग और ज्ञान योग ठीक है इनके बारे में भी डिटेल में पूछ सकता है किसी के बारे में लेकिन आ, मेरा जो आइडिया कहता है ना आए तो अच्छा है ठीक है और खोखो ए -खो, कैडिडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1960 में हुई तब छोटे-छोटे प्रश्नों को देखते हैं फिर आगे और जो प्रश्न बनते हैं वो ज्यादा नहीं है बस इतने दो पेज और हैं खेल के प्रकार जो है दो हो जाएंगे आपके जो आपका बाह्य और आंतरिक खेल हो जाता है और योगासन का अर्थ जो होता है सुखद और स्थिर साधना सीधी सी बात है और योगाचार्यों ने योगासनों की संख्या जो है चौरासी बताई है और योग के अंगों की संख्या जो है आठ बताई गई है योग दर्शानुसार के कितने कारण हैं तो तेरह कारण हैं उसके बाद में है योगिक शुद्धि में कितनी क्रियाएँ हैं तो छः क्रियाएँ हैं ये छः है ठीक है इसके बाद में है योगाभ्यास के लिए बैठने की उपयुक्त विधि कौन सी है तो पंक्ति में बैठ सकते हैं गोलाकार बैठ सकते हैं और अर्ध चंद्रकार बैठ सकते हैं ठीक है तो तीन युक्तियां ध्यान रखना थोड़ा सा आसन होते हैं तो आसन जो है उचित अनुचित और शारीरिक प्रकार के और स्थिर में गतिमान भी होते हैं तो इस तरह के होते हैं बाकी आप अपनी मर्जी में थ्योरी डाल देना अगर ज़्यादा डिस्क्राइब करने को नहीं बोलता है आसन बताइए कौन से और पद्म का होता है आप जानते हैं कमल का फूल होता है अंत कक्ष खेल जो होते हैं वो देखो ताश होता है लूडो होता है सुडोकू होता है चेस होता है बहुत सारे जो खेल घर में हम खेल सकते हैं वो अंतकक्ष होते हैं शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य जो है शारीरिक गामक एवं मानसिक विकास होता है और संतुलित भोजन से अभिप्राय यानी सांगण भोजन जिसमें सारे विटामिन अपनी तरफ से लिखते हैं जिसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान हो वही संतुलित भोजन होता है ठीक है इसके बाद में शारीरिक शिक्षा एवं खेल के अंतर्गत कितने उप विषय आते हैं तो इसमें बारह विषय आते हैं इसके बाद में योग की चार श्रेणियां कौन कौन सी है तो कर्म योग अभी बताया शारीरिक का शरीर का उपयोग और ठीक है इसमें हो जाता है कर्म योग में उसका आपका एक और है भक्ति योग जिसमें भगवान के आदेशों का हो जाता है ज्ञान योग जिसमें मन का उपयोग योग क्रिया योग जिसमें

हाइड्रोफोबिया जो है पागल कुत्ते के काटने से होता है उसके बाद में पदमासन के लाभ क्या है तो मेरुडंड जो है लचीलापन हो जाता है मेरुदंड में लचीलापन इस आसन की वजह से मिलता है हमें योग कक्षा का वातावरण जो है शांत आध्यात्मिक और आध्यात्मिक और अनुशासित होना चाहिए योगाभ्यास के लिए कितने वर्ग फीट का स्थान उपलब्ध होना चाहिए तो कम से कम चालीस फीट का होना चाहिए ध्यान के प्रकार जो है दे... अभी मैंने बताया था ध्यान के प्रकार जो ऊपर बताया था वही है देखना सुनना श्वास लेना और आंखें मूद करके मौन रहना ये चारों ध्यान के प्रकार होते हैं चार ही होते हैं ऊपर भी मैंने डिस्कस कराया था देखने को क्या कहते हैं सुनने को क्या कहते हैं श्वसन को क्या कहते हैं और ध्यान में बाधक तत्व पूछ सकता है बिल्कुल ध्यान में बाधक तत्व जो है रोग बिल्कुल आएगा साहब थोड़ा सा ध्यान रखना रोग जो है ये बाधक तत्व है अगर किसी भी इंसान को रोग हो जाए निर्जीवता है ठीक है इंटरेस्ट नहीं है संशय है डाउट है प्रमाद है 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 आलस्य शक्ति का है। और आपका जो है भ्रांति है किसी तरह की असमर्थ या दुर्बल हो तो ये सारे के सारे बाधक हो जाएंगे आप जानते हो उनके बारे में आप विचार प्रकट कर सकते हैं धारणा का क्या अर्थ है धारणा को बता दोगे आप ठीक है इसके बाद में ध्यान क्या है आपको तो पता ही है मैंने बता दिया है एक अच्छे योग शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है धैर्य और दृढ़ता होती है तो एक अच्छे योग शिक्षक के महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझाइए तो धैर्यता दृढ़ता आत्मविश्वास ठीक है ये सारी चीज़ें लिख दोगे मनुष्य के, के हड्डियाँ आप जानते हैं 206 और खोपड़ी में आठ होती हैं उसके बाद में मनुष्य का बाहर बेहतर बार जो है धड़कन धड़कता है ये तो आपको सबको पता है बचपन से पढ़ते आए हो बालक का स्वास्थ्य जो है अनुवंशिक और परिवेश पर जो है ये निश्चित होता है ठीक है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से स्वास्थ्य को अच्छा बनाना ठीक है और मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण जो है इसमें दृढ़ निश्चय निस्वार्थी और आत्मविश्वास मानसिक स्वास्थ्य मन का स्वास्थ्य कैसे होता है दृढ़ निश्चय बन जाता है निस्वार्थी बनता है आत्मविश्वास जागृत होती है तो ये चीजें ध्यान रखनी है शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है किसके लिए शारीरिक स्फूर्ति पर्याप्त निंद्रा के द्वारा इसके बाद में जो नेक्स्ट मानव शरीर की हड्डियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया तो तीन श्रेणियों में बांटा गया है इसके बाद में आपका शरीर के कुल भाग का कितना प्रतिशत भाग जो है रक्त है तो वो पांच प्रतिशत भाग जो रखते हैं आपका शरीर बॉडी जो है इतना बड़ा बॉडी इसमें से केवल फाइव परसेंट जो है ब्लड है इसके बाद जो है आपका बंद से क्या आशय बंद के क्वेश्चन आते हैं तो बंद से क्या आशय है ठीक है इसमें जालंधर बंद होता है इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ लेना है इसके लाभ क्या होते हैं ये पूछता है कभी कभी सावधानियां पूछता है ध्यान रखना उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बनता है उडयन बंद तो उडयन बंद जो है इसके आपको बता देने हैं कि क्या होता है ये पॉइंट वाइज छः लिखे हैं और इसके लाभ क्या हो सकते हैं और इसमें सावधानियां लिख देनी है ठीक है इसके बाद आता है एक मूल बंद तो मूल बंद ये रहा मूल बंद के भी आपको बता देने हैं कि मूल बंद में क्या होता है साथ ही साथ इसके लाभ क्या होते हैं ठीक है थीके? तो इस तरह से ये हो गए अब आते हैं छोटे क्वेश्चन जो एम बनते हैं शारीरिक शिक्षा क्या है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अ यानी कि शारीरिक विकास ठीक है उसके बाद जो है उत्तम स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा क्या है तो वो है धन ठीक है इसके बाद में हृदय का हृदय एक प्रकार का पंप है कैसा पंप है ये स्वचालित अपने आप चलता है इसको कोई रोकता नहीं है रुकेगा तो सब कुछ खत्म हमारे फेफड़े की निरंतर छोड़ने का कार्य करते हैं हमारे फेफड़े निरंतर छोड़ने का कार्य करते हैं क्या छोड़ते हैं तो श्वास छोड़ते हैं ये तो सब सब सिंपल क्वेश्चन हैं अंगों की इच्छिक गति किसके द्वारा होती है तो अंगों की इच्छिक गति जो है मांसपेशियों द्वारा होती है मन में स्थिरता पैदा करता है तो वो करता है हमारा योग उसके बाद में श्वसन मार्ग की शुद्धि करता है तो श्वसन मार्ग की शुद्धि करता है हमारा कपल भारती कपल भाती इसके बारे में मैंने बताया था आपको अभी ये बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है थोड़ा सा ध्यान रखना है सामान्यतः लड़कियों की किस आयु तक शरीर की वृद्धि और विकास हो जाती है तो हो जाती है इक्कीस वर्ष तक इनकी मतलब पूर्ण वृद्धि और विकास हो जाती है नहीं सॉरी अठारह वर्ष तक ठीक है इसीलिए अठारह वर्ष इनकी आयु रखी गई है इक्कीस वर्ष तक लड़कों की ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर को करेक्ट करें बी ऑप्शन हो जाएगा Dakar, तो साधन युक्त व्यायाम का प्रकार है तो साधन युक्त व्यायाम का जो प्रकार है वो दंड भी है और डम्बल्स भी है और लेजियम व्यायाम भी है तो यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा उपयुक्त सभी उसके बाद में योग के पिता के रूप में जाने जाते हैं तो वो जान जाने जाते हैं पतंजलि उसके बाद में किस वेद में योग के बारे में उल्लेखित है तो योग के बारे में जो है ऋग्वेद में उल्लेखित उल्लेखन किया गया है उसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा कथन योग के बारे में सही है तो इसमें से जो ये सारे कथन है ना योग का प्रचलन प्राचीन भारत से है यह शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है ये कथन बिल्कुल सही है संस्कृति से योग शब्द बना है सॉरी संस्कृत से योग शब्द बना है यह भी सही है और इसके बाद में योग का अर्थ शरीर से जुड़ना एकजुट होना चेतना और सतर्कता प्रतिनिधित्व करना है तो ये भी सही है यानी कि उपयुक्त सारे के सारे सही है भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था तो ये बनाया गया था 21 जून 1915 में ध्यान रखना डेट डेट का जो ये ये है ना ये थोड़ा सा 21 जून तो सब जगह मिल जाएगा सन नहीं अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो भी मार्क्स कट जाएंगे तो 2015 याद रखना और अंतिम प्रश्न जो है पश्चिम दुनिया में पहली बार पश्चिमी दुनिया में पहली बार एक विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग का किसने संबोधन संबोधित किया गया था तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका स्वामी विवेकानंद ठीक है तो ये जो है पश्चिमी दुनिया में पहली बार स्वामी विवेकानंद ने जो है विश्व धर्म संसद शिकागो अमेरिका में योग का संबोधन किया था तो ये थे आपके आंसर्स आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी मैंने आपको बता दिया कि क्वालिटी कैसे सेट करते हैं किसी को वीडियो अगर कम दिखाई दे रहा हो तो क्वालिटी ऑप्शन मैंने बता दिया कैसे देखते हैं प्ले कैसे देखते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया अब आपको कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी अब आप आराम से स्टडी कीजिए थैंक यू वेरी मच हैव ए गुड डे